पंजाब रे कांग्रेस को सत्ता रूपे दखल कला आम आदमी पार्टी। 2024 रे केमिति हेबे एकाठी। पश्चिम बंग रे कांग्रेस को सुनरे सीमित कला ममतांक टीएमसी। 24 रे एमानंक मेंट असंभव नुहे कि। यूपी रे कांग्रेस रो विकल्प होई सपार हेला अभ्युदय, एबे कांग्रेस खाता खोलिबाकु असमर्थ। दिल्ली रे भी क्षमता रे थिबा कांग्रेस रो अस्तित्व लिभाई देला। एकाठी हेबे तो राहुल केजरीवाल। विरोधी आसन रे बसीथिबा राज्य नेतृत्व को मनाइबो किए? कण पंजाब आउ दिल्ली रे एकाठी होई परिबे कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी? हिंदुत्व रो प्रचंड प्रचारक बाला साहेब ठाकरे को दल क्षमता पाई कण भिन्न विचारधारा को अपणे नेबो? एमरजेंसी समय रे जेउ कांग्रेस नीतीश आउ लालू को जेल रे पुराइथिला, सेही क्षत कण एते जल्दी भरीगला कि? यदि कांग्रेस एमानंक सह मेंट करे तेबे पंजाब एवं दिल्ली रे आप विरोध रे केमिति मागिबो वोट? पश्चिम बंग रे टीएमसी विरोध रे केमिति लढ़िबो निर्वाचन? शुक्रवार बिहार रो पटना रे विरोधी मिली बसिबा परे एही तमाम प्रश्न उठुछि। कण क्षमता पई विचारधारा को जलांजलि दियाजिबो? कण राज्य रे विरोध एवं केन्द्र रे प्रशंसा कराजिबो? सेपटे विरोधी मेली को फोटो सेशन एवं 2024 पई पीएम पोस्ट पई वैकेंसी नहीं कहिछि बीजेपी। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलवाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की सिक्कों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं। 24 रे बीजेपी बना महामेंटर स्वप्न देखुचंती विरोधी दल, हेले स्वप्न वास्तवतार परिणत हेबो ना दिबा स्वप्न ही रही? कारण यूपी रे एबे दुर्बल अवस्था रे थिले मध्य मायावती विरोधी को बहु क्षति करि पारंती। एबे बी आदिवासी दलित वोट बैंक उपरे मायावती को बेस्ट दबदबा रही। मायावती स्पष्ट करि सारिचंती जे एही महामेंटरु से दूरै रहिबे। पटना रे अनुष्ठित बैठक रे मध्य जोग देइ नहंती मायावती। सेबडे आंध्र एवं तेलंगाना रो प्रमुख दल एही बैठक रु निजकु दूरै रखिचंती। बीआरएस स्पष्ट करिछि जेउडी कांग्रेस रहिबो सेठारु बीआरएस दूरै रहिबो। एपटे केजरीवाल मेंटरे चौक देइथिले मध्य संसद रे आगत हेबाकु थिबा अध्यादेश उपरे तांको निष्पत्ति निर्भर करुछि। सेहिपरि ममता मध्य केउ समय रे तांको निष्पत्ति परिवर्तन करि पारंती। सबुठारु बड़ समस्या जदि महामेंट गठन हुए तेबे आसन भागबंटा को नै शीतल युद्ध हेबा थय। हमें तो यही लगता है कि आज पार्टीज का यूनिटी या पार्टीज का जुड़ने से ज्यादा अहम है कि लोग जुड़ जाएं, हिंदुस्तान की आवाम जुड़े इश्यूज के साथ, पार्टीज के साथ नहीं। क्योंकि आज 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेके आज भी एक ऑर्डिनरी इंडियन बहुत दुख महसूस करता है और बहुत दर्द महसूस करता है। हम ये चाहते हैं कि जो काम तेलंगाना में पिछले 9 साल में हुआ है वही मॉडल आज हिंदुस्तान को हम दिखाना चाहते हैं। तबे ही बैठक को कैसे सफल होउची, बीजेपी विरोध रे तमाम विरोधी दल एकाठी होई पारुछंती ना नहीं, ताहा देखिबा कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश न्यूज़।